हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का 8 बज रहा है और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरे गर्म पानी से शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैं पानी उबाल रही हूँ और मतलब गर्म कर रही हूँ। तो मैं 2 गिलास पानी गर्म करूँगी, 1 गिलास अपने हस्बैंड के लिए और 1 गिलास अपने लिए। हस्बैंड के लिए नींबू पानी मैं बनाऊँगी। तो आप सबको पता ही है कि मुझे नींबू पानी पसंद नहीं है, मुझे खट्टा ही नहीं पसंद। तो बस मैं यहाँ अपने हस्बैंड के लिए नींबू पानी बनाऊँगी। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ले लिया है इसमें, और इसमें एक नींबू निचोड़ रही हो तो उसमें भी पानी डाल के, और इसमें मैं डाल दूँगी हनी। और अपने लिए मैं सिर्फ़ एक गर्म पानी ही पीऊँगी। और आजकल आप सबको पता है कि गर्म पानी पीना पीना कितना ज़रूरी हो गया है। तो बस यहाँ मैंने दूसरा गिलास भी निकाल लिया है, तो चलिए मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं करूँगी गर्म पानी इंजॉय। और मैं अपने हस्बैंड को देकर मतलब दे दूँगी। वो तो बेडरूम में थे, आरना के पास थे वो, और मैं यहाँ पे बस हनी डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब हनी ऐड कर दी है। तो चलिए मैं अपना पानी भी इंजॉय कर लेती हूँ साथ ही साथ में, और साथ साथ में मैं मतलब पानी भी इंजॉय कर रही हो और फिर अपना मोबाइल भी चेक कर रही हो। सबको पता ही है ना कि रात को सोते हैं तब मोबाइल चेक करते हैं, उठते हैं तब मोबाइल चेक करते हैं। तो बस मैं अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ, देख रही थी किसके मैसेज आए हैं, क्या है, फेसबुक वगैरह चेक कर रही थी। तो बस साथ साथ में अपना पानी भी इंजॉय कर रही थी मैं। किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी ब्रेड पिज्जा सैंडविच। आज हम ये बनाएंगे नाश्ते में। और मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई करते हैं। आज संडे है, कि मैंने आपको बताया था ना कि संडे को मैं ज्यादातर ये सैंडविच ही खाना पसंद करती हूँ। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और मोदी जी ने जो आप जो बोला था ना कि रात को 9 बजे कैंडल जलानी है, तो प्लीज जरूर जलाना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। और पनीर है, पनीर को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी पहले। और मैं सोच रही कि लंच में मैं बनाऊँ राजमा चावल, तो राजमा भी उबाल लेती हूँ। चलिए पहले मैं राजमा ही उबाल लेती हूँ, ठीक है। तो पनीर को मैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ, थोड़ा सा लंबे लंबे रखूंगी क्योंकि पनीर मुझे फ्राई करना है। ले लिया? हाँ ठीक है। तो पनीर को मैंने इस तरीके से काटा है। अब मैं पनीर को कर रही हूँ हल्का सा फ्राई। अब मेरे राजमा भी उबल रहे हैं। रिफाइंड डाल दिया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मेरा फ्राइंग पैन में तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी, एक एक करके एक एक करके पनीर डाल दूंगी मैं इसमें। तो बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है मुझे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो एक एक करके अच्छे से मैं इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इसको चला लूंगी। धीरे धीरे चलाना है क्योंकि पनीर थोड़ा मेरा सॉफ्ट था, कहीं वो टूट ना जाए। और मैंने एक प्याज ले ली है, एक कैप्सिकम है, तो इनको मैं काटूंगी। और मतलब थोड़ा सा ही पनीर है मेरे पास, तो मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आधी प्याज लूँगी और आधी ही शिमला मिर्च लूँगी।
तो बस इनको मैं मतलब जैसे मैंने पनीर के साइज़ काटे ना, इसी साइज़ में मुझे ये शिमला मिर्च और प्याज भी इसी साइज़ में काट लूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से काट लेती हूँ। मैंने प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा लंबे लंबे ही काटे हैं, क्योंकि पनीर लंबे है ना, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही मैंने काटे हैं। प्याज को फ्लिप कर देती हूँ। आप सब भी ट्राई करना और बहुत अच्छे बनते हैं ये। हाँ बस मेरे पास ना ऑरिगेनो नहीं है, वो खत्म हो गया है, वो नहीं है तो मैं वो नहीं डालूंगी। फ्राई हो गए, मैं निकाल दूँ पनीर को। मैंने तेल नहीं डाला है, सीमे ही मैं सबको डाल दूँ दोनों को। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल हो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छी लगती है ऐसे ना। बस इनको भी हल्का सा ही फ्राई करना है, क्रंची क्रंची आता है वो अच्छा लगता है, मैंने आपको ये बताया था। बस ये थोड़ा सा सॉल्टी करना है इसको थोड़ा सा ही, और इसके बाद मैं डालूंगी पास्ता सॉस। ये है पिज्जा पास्ता सॉस। इसको ना कच्चा नहीं खाते, इसलिए इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करना होता है, तो मैं इसको इसी में ही डालूंगी, 2 चम्मच करीब डालूंगी इसको मैं। अब मैं सब पनीर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए खुशबू बहुत अच्छा आ रही है इसकी ना।
मैं इसको निकाल रही हूँ, ये बिल्कुल बन चुका है। अब बनाते हैं सैंडविच, शुरू करते हैं बनाना। आज का नाश्ता हमारा स्पेशल होगा, तो ये देखिए। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये जो मैंने थोड़ा सा निकाला था ना, थोड़ा सा फ्राई करा है, तो मैं इनको लगा रही हूँ, इसको ब्रेड पे लगा रही हूँ। मैंने पास्ता सॉस थोड़ा सा फ्राई कर लिया था बटर में, अब मैं उसको ब्रेड में अच्छे से फैला रही हूँ। और फैलाने के बाद मैं इसमें जो मैंने फ्राई करा था पनीर और शिमला मिर्च वगैरह, इसको भी मैं इसमें ब्रेड पे लगा दूँगी। मेयोनीज ऐड कर रही हूँ इस पे थोड़ा सा, इसके ऊपर। देखिए मेयोनीज मैंने लगा दी है, अब मैं दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख दूंगी। तो अच्छे से मैं इसको दबा के हाथ से हल्के से प्रेस करके, तो उसको मैं दूसरे मतलब फर्स्ट सैंडविच तैयार हो गया। सेकंड सैंडविच मैं बना रही हूँ अपने लिए चीज़ वाला, उसी को मैंने सब कुछ लगा के उसमें मैंने चीज़ लगा दी, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। तो अब मैं ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ, तो ये देखिए मेरा ग्रिल सैंडविच भी बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इस पर ग्रिल कितनी अच्छे से निकल कर आई है, तो मैं नीचे भी चेक कर रही थी कि उस तरीके से सही से ये नीचे से भी सिक गया था। तो मैं दूसरा सैंडविच भी इसी तरीके से बना लूँगी, इस पर थोड़ा सा मैं घी लगा के, और फिर मैंने उसको बनाने के लिए रख दिया था। और मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ कि कैसा बनाए। ये देखिए ये चीज़ वाला है, और ये बहुत अच्छे से चीज़ पिघल गई थी अंदर से। तो ये दूसरा है, ये बिना चीज़ वाला है, तो ये इसको भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये खाने में बहुत टेस्टी बना था। ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, आप सब भी कर लीजिए। तो मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैं आ गई किचन में लंच बनाने, नहा ली मैं, और मैंने एक प्याज लिया है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, और एक हरी मिर्च है। हरी मिर्च तो मैं ऊपर से डालूंगी इसमें चीरा लगाकर। तो मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में, काट लू पहले। मैं टमाटर है इसी के साथ ही कर रही हूँ। मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर बनाते हैं राजमा। तो मैंने कुकर रख दिया है इंडक्शन पे, कुकर मेरा गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने मसाले मतलब जो पेस्ट मैंने ग्राइंड करा है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसको मैं चला लूंगी। मैंने इसमें कोई तेज पत्ता वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर से गर्म मसाला ऐड करना है। तो बस यहाँ मैं मसाला भून रही हूँ, तो इस भूनने के बाद अच्छे से मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक हरी मिर्च। और साथ साथ में इसके पापा खड़े थे आरना के, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला भी अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें एक हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है, तो इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। और चलाने के बाद जो भी सारे बेसिक मसाले होते हैं वो मैं डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद जो लाल मिर्च पाउडर है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है,
ये तीखी वाली नहीं है, इसलिए मुझे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो बस इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। और नमक मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि जब मैंने राजमा बॉयल करे थे ना तो मैंने उसमें भी नमक डाला था। तो बस इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। और आप सबको पता है कि ढक के पका के ही सब्जी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ ये देखिए मेरा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी। और ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैंने पहले ये राजमा मसाला ऐड करा है, अब मैं इसके बाद कर दूंगी कसूरी मेथी। तो उस कसूरी मेथी तो मेरी फेवरेट है। तो चलिए मैं इसको थोड़े से मसल के अच्छे से मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राजमा जो मैंने बॉईल करे हैं। तो उसको चलाने के बाद मैं 1 सीटी आने के बाद मैं इसको इंडक्शन को कर दूंगी बंद, क्योंकि थोड़ा सा मैं हमेशा ही अगर मैं छोले वगैरह बनाती हूँ तो 1 सीटी ज़रूर लगाती हूँ। तो इससे ना मेरी जो भी है सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है। तो राज में मेरे बन गए हैं, मैं इसको ना इसमें डाल देती हूँ। अब मैं बनाऊंगी चावल, इसमें मैं धनिया ऐड करके डाल देती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल, कुकर में बनाती हूँ। तो थोड़ा सा क्योंकि टाइम 1:45 हो रहे हैं और भूख भी लग गई है लग रही है। चावल मैंने आधे घंटे से भिगो के रख रखे हैं। तो अब हम बना लेते हैं चावल। चावल भी बन रहे हैं मेरे, राजमा भी बन चुकी है। राजमा ना देखने में अच्छे लग रहे हैं और प्यास लग रही बहुत तेज की। गलगट ठीक हो गया, पानी पी पे के गरम। तो देखते हैं और क्या काम पड़ा हुआ है। सारा काम हो चुका है। तो चलिए मैं जब तक चावल बन रहे हैं ना मैं क्या करती हूँ, ढूंढती हूँ कुछ काम मिल जाए या थोड़ा सा टीवी भी देख लेते हैं। और आरना का पराठा भी बन गया है, उसको मैं खाना भी खिला देती हूँ। ठीक है, फिर आपसे मिल लेंगे हम थोड़ी देर में। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कर क्या रही है। वैसे भी ना कहाँ गई है आरना, खाना खा ली बेटा? रोशनी बहुत जा रही है, आज तो धूप नहीं है, है ना? आज धूप नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल धूप नहीं है। अच्छा आपको तो वैसे ही नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए अब बिल्कुल भी धूप नहीं है ना, बहुत तेज धूप ही नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है बेटा, नहीं है धूप। लगाते न्यूज लगाते हैं टीवी में क्या। तो मैं उसको पहले रोशनी अर्ना खेल के गई है तो देखिए कहाँ उसने पटक दी है अपनी डॉल। तो मैं उसको पहले खाना खिला देती हूँ।
तो हम आ गए हैं अंदर और ऐसा लग रहा है कि बाहर से दिवाली बनाई जा रही है, जाहिर सी बात है दिवाली ही बन रही है हमारी। तो ये कोरोना का जो चल रहा है ये अंधकार है, जल्दी से ये दूर हो जाए। और आपसे एक शिकायत करनी है मुझे, पता आप मेरे पति ने मुझे सुबह से बहुत परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। अभी बताती हूँ, लाइट जलाती हूँ जरा। हाँ, मेरे हस्बैंड ने इतना परेशान कर रखा है मुझे सुबह से, इन्होंने स्टेटस भी लगा डाला, इन्होंने स्टेटस लगाया है, मैं आज इनकी शिकायत करती हूँ आपसे। इन्होंने स्टेटस लगाया मेरा कि जिसकी बीवी जिसकी क्या स्टेटस था, जिसकी बीवी क्या था, क्या था जिसकी बीबी क्या लगा रखा है, हाँ ये जिसकी बीबी ज्योति उसका भी बड़ा नाम है, बालकनी में बिठा लो, मोमबत्ती का क्या काम है, ये है बताओ जरा, ये लगा रखा है इन्होंने स्टेटस। और मैं आपको ना स्क्रीन पे मैं दे दूंगी, आप वहां देखना। इन्होंने इतना परेशान कर रखा सुबह से, पता है मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप पे आ रखे हैं, यार ये क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है इनके व्हाट्सएप पे, और वो मेरे पास फोन कर रहे हैं। मैंने कहा देख लो ये है। और चलो ये मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आने की आवाज आ गई ना, 11 बज रहे हैं, वो भी सोइए, हम जा रहे सोने। तो चलिए मैं रखती हूँ, बाय बाय।